चाइना ने कहा कि भी ये नैटो के बहाने नाल जिहड़ा है वो अमेरिका और दूसरियां ताकतां इंटरफियर कर रही ने उत्थे। सो जाहिर है लद्दाख के उत्ते चाइना का मुड कदीम तो ही कलेम है। जिहड़ा अमित शाह उन्हें पार्लियामेंट दे विच कहा कि हमने जो है अक्साई चिन्ह भी वापस लेना है। सो भारत की पॉलिसी का जलूस तो निकलता ही रहा और चीन ने इस ओलंपिक्स के दौरान जिहड़ा वो गलवान वैली दे विच जिहड़ा उन्हां दा एक जख्मी कमांडर सी जिहदे सिर ते सट लगी वो हुण तां ठीक हो गया, उन्हों भी उन्होंने मशाल चुका के जिहड़ी वो रेस करते हैं उसकी ओलंपिक की इनॉग्रेशन के वेले उन्होंने दौड़ाया। पाकिस्तान ने कहा मुकम्मल सपोर्ट चाइना, तिब्बत मुकम्मल सपोर्ट, सिंकियांग मुकम्मल सपोर्ट, और इस दे नाल साउथ चाइना सी मुकम्मल जिथे उन्होंने आइलैंड आर्टिफिशियल बनाए ने मुकम्मल सपोर्ट, और ताइवान का जिक्र किया। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां पाकिस्तान दे चीन दे हवाले नाल गलबात करन जा रहे हैं कि पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान विंटर ओलंपिक्स दे सिलसिले विच चीन गए हुए हैं और चीन अते पाकिस्तान दे प्रेजिडेंट्स इस सांझे बयान विच भारत वल्लों एक पासर तौर ते कश्मीर विच दखल अंदाजी दा सख्त जिहड़ा नोटिस है वो लिया गया है। इस सांझे बयान विच इह वी कहा गया है कि कश्मीर दा मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल दी रोशनी विच कश्मीरी लोकां दी रायशुमारी राही हल करवाया जाना चाहिए है। सो इस बारे आप गलबात कर जा रहे हैं। सो असं चाहवे कि तुम इसे तरह बने रहना, देख सुन लिख लिए तरह सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो चाइना दे विच कामयाबी दे नाल विंटर ओलंपिक चल रही है, जदों के अमेरिका कैनेडा यूके समेत कुछ पछमी देशों ने डिप्लोमैटिक बाइकॉट किया सी चाइना दा, उत्थे रशिया और पाकिस्तान समेत 40 दे करीब देशों दे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इनॉग्रेशन दे मौके भी पहुंचे, पार्टिसिपेट भी किया। इमरान खान साहब दा पाकिस्तान दे प्राइम मिनिस्टर 4 दिन दा दौरा और जाहिर है कि दौरे तो पहला हालांकि भारत ने पहला ये लाइन ली सी कि असी पार्टिसिपेट करांगे, उदों ये लगता सी कि भी भारत कड़िकी दे विच फसया होया, कदे वो अमरीका वाल देखदा कदे वो रूस वाल, क्योंकि रशिया और चाइना ने तो हुण पब्लिकली ईवन यूक्रेन के मुद्दे से भी दोनों की स्टेटमेंट इक्को ही है, और उन्हें चाइना ने कहा कि भी ये नैटो दे बहाने नाल जिहड़ा है वो अमेरिका और दूसरियां ताकतां इंटरफियर कर रही ने उत्थे ठीक नहीं है। सो उस मामले च रशिया और चाइना यूक्रेन दे मामले ते एक पेज ते ने, इधर ताइवान दे मामले च रूस की मुकम्मल हमायत चाइना नू है, विद इन द कंट्री भी जो चाइना दियां पॉलिसीज ने, और पाकिस्तान भी क्योंकि पाकिस्तान चाइना दे नाल बहुत करीब है शुरू तो ही रहा है, और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव दे थले और ये जड़ी मेन पहुंच ग्वादर पोर्ट तक वार्म वाटर्स तक चाइना नू मिली इस दे नाल, और अगों जड़ा ये इकोनॉमिकल प्रॉस्पैरिटी का राह भी खुले है सारे पासे। सो इसने होर भी करीब लिया है, और जदों दा इंडिया खुल के अमरीका दे धड़े दे नाल जा रहा है उस तो बाद चाइना और पाकिस्तान मिलीटैरली भी चाइना दे उस जिहड़ा नॉर्थ दे विच कश्मीर मुद्दे ते जदों इंडिया ने एक तरफा कार्रवाई करदे आ 5 अगस्त 2019 नूं जम्मू कश्मीर दा स्टेटस खत्म कीता, और उत्थे लद्दाख रीजन जिहड़ा जम्मू कश्मीर दा हिस्सा सी उहनूं यूनियन टैरिटरी बना के सीधा अपने कंट्रोल दे विच लिया जिवें जम्मू ते कश्मीर नूं बनाया। सो जाहिर है लद्दाख दे उत्ते चाइना दा मुड कदीम तो ही कलेम है, और जदों असी माउजे तुंग दे इस जिहड़ा ड्रीम जां उहनां दी ऑफिशियल पोजीशन दी गल करदे हैं कि वो पंज फिंगर्स जिहड़ियां चाइना दियां मनदे ने उहनां दे विच लद्दाख भी इक है, तिब्बत है, जाहिर है नेपाल है, भूटान है, और जिहनूं इह अरुणाचल कहिंदे ने उह साउथ तिब्बत कहिंदे ने। सो लद्दाख नूं जदों कल्ला इही नहीं कि उहदा स्टेटस खत्म करके उहनूं यूनियन टैरिटरी बनाया, हालांकि यूएन चार्टर यूएन दे सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन दे थले डिस्प्यूटेड टैरिटरी है, और उदों जदों कि कश्मीर दा स्टेटस खत्म किया गया छाती ते हाथ मार के वो गेंडे दा पुत्र जिहड़ा अमित शाह उहने पार्लियामेंट दे विच कहा कि हमने जो है अक्साई चिन्ह भी वापस लेना है, लगभग 30,000 स्क्वेयर माइल तो ज्यादा टेरिटरी जिहड़ी 1962 च चीन ने लई उहदे ते भी
उन्होंने अपना दावा भारत ने जताया। हुण इस सब दे चलदे आ जिहड़ियां डिवेलपमेंट्स पिछले दो तीन साल च होई आ, भारत दा तेजी नाल अमरीका दे खेमे च क्वाड राही जाणा, इह वक्खरी गल आ कि अमरीका ने देख के कि इहनां दे पल्ले कुछ नहीं। गलवान वैली जिहड़ा 15 जून नूं 2020 नूं जो वाकया उत्थे हुंदा, उस तो बाद भारत का फौजी माइट तो बिल्कुल ही जड़ा वो नज़र की आना सी, वो तो बिल्कुल डाइव्ड इनटू द सी वाली उन्हों की लाइन सी। हुण उस दे चलदे अमरीका ने फिर ऑकस बना लिया यूके आस्ट्रेलिया और अमरीका दे नाल, और लेकिन इन्हों ने जदों क्वाड बना के चाइना दे नाल नाल रशिया की हॉस्टिलिटी भी इंडिया ने मुल लै ली, क्योंकि रशिया ने क्वाड नूं कहा सी कि एशियन नैटो, कि जिवें अमरीका यूरोप दे विच अपने पैर पसार के नैटो राही उन्हें कब्जा जमाया होया, इवें एशिया दे विच एशियन नैटो है। सो भारत की पॉलिसी का जलूस तो निकलता ही रहा, और चीन ने इस ओलंपिक्स के दौरान जड़ा वो गलवान वैली दे विच जड़ा उन्हां दा एक जख्मी कमांडर सी जिहदे सिर ते सट लगी, वो हुण तां ठीक हो गया, उन्हों भी उन्होंने मशाल चुका के जिहड़ी वो रेस करते हैं उसकी ओलंपिक की इनॉग्रेशन के वेले उन्होंने दौड़ाया। तो भारत जिन्हें पहला कहा कि जी असी मुकम्मल पार्टिसिपेट करांगे डिप्लोमैटिकली भी एथलीट्स वजों भी, उन्होंने फाइनली अमरीकन प्रैशर के थले कह के कि जी देखो इन्होंने तो गलवान वाले जड़ा वो ऑनर करके साडे सानू हर्ट किया, इसलिए असी डिप्लोमैटिकली नहीं करांगे। सो उन्होंने उस पार्टिसिपेट नहीं किया, बट जिन्हों कहते हैं अमेरिकन ही कहते हैं कि हू गिव्स ए हूट। लेकिन इस गल दे उत्ते जिथे इंडिया दियां नज़रां होणगियां, साडियां भी नज़रां सी, पाकिस्तान दियां भी सी, कि इमरान खान उरां दी चाइना विजिट जिथे उन्हां दी पार्टिसिपेशन अपने आप दे विच एक खबर सी, उत्थे इह भी सी कि जिहड़ियां वन टू वन मीटिंग्स ने और खास तौर ते शी जिनपिंग और इमरान खान उरां दी जॉइंट मीटिंग च की निकलेगा, की इशू होएगा, कश्मीर दा मैंशन होएगा कि नहीं होएगा, सिंह क्यांग दे मुसलमानां दे नाल की हो रहा जिहदे बारे अमरीका जां दूजे काफ़ी इशू चुकदे आ, बाइकॉट दी लाइन च इक रीजनिंग इह भी दित्ती गई सी। और जाहिर है कि भी इह एक्सपैक्टेड सी कि मीटिंग होएगी, उन्हां दी बाइलेटरल मीटिंग भी हुई, और उस दे विच जो आया, मैं खास तौर ते इंडियन मीडिया नूं इदां दे मौके कोट करना ज़्यादा बेहतर समझदा हुंदा, क्योंकि ये उन्हां दे दुश्मन दी अख तों तुसीं देख सकदे हो कि वो किवें देखदे ने। और ये जिहड़ी पहली खबर, इमरान इन बीजिंग सपोर्ट्स चाइना ऑन सिंह क्यांग ब्रिंग्स अप माइनॉरिटी परसीक्यूशन इन इंडिया, कि इमरान खान पहुंचे, उन्होंने सिंह क्यांग दे मुसलमानां दा मुद्दा जो अमरीका उहदे चीन दी हमायत की, और उन्होंने ये कह कि भी ये भारत दे विच माइनॉरिटीज़ दी। हुण एक गल जदों कई बार साढ़े कुछ वीरां नूं लगदा हुंदा भी असी लोड़ तो ज़्यादा पाकिस्तान जां चीन जां उन्हां दी गल करदे हां, हुण यही लफ्ज़ जे असी कुछ वक्त पहलां तक देखिए तां पाकिस्तान दे हैड ऑफ द स्टेट जिहड़े बीते ने वो भारत दा मुसलमानां दा जिक्र तां करदे सी, माइनॉरिटीज़ नहीं सी करदे। हुण ये एक चेंज है जदों के इमरान खान हुकूमत दे वेड़े, और क्योंकि सिखां ने भी पेशकदमी की है अपने इंटरनेशनल लैवल ते अपनी अहमियत का एहसास करवाया, किसान लहर ने सिख ताकत नूं होर अगे उभारिया, और पाकिस्तान च भी जदों करतारपुर साहब कोरीडोर खोलिया जांदा और इमरान खान साहब की हुकूमत सिख फैक्टर की अहमियत समझती है, तो हुण जिहड़े ने माइनॉरिटीज़ की गल सांझे तौर ते जिहदे ज़ाहर है कि सिखां मुसलमाना ईसाइयां का जिक्र अपने आप च आ जांदा, और इन्हां दी खबर है द हिंदू दी, और इन्हां दा अनंत कृष्णन ये कह रहे कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑन संडे रीट्रेटेड हिज सपोर्ट टू चाइना ओवर इट्स कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज इन सिंह क्यांग वाइल ब्रिंगिंग अप व्हाट ही क्लेम टू बी परसीक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। और ये जिहड़ी जॉइंट स्टेटमेंट उन्हां दी आई चाइनीज प्रेजिडेंट शी जिनपिंग और पाकिस्तान दे प्रेजिडेंट दी, उहदे च उन्होंने कहा कि वन चाइना पॉलिसी एंड सपोर्ट फॉर चाइना ऑन ताइवान साउथ चाइना सी हांगकांग सिंह क्यांग एंड तिब्बत। हुण इह सारे इशू ने जिन्हां नूं वैस्ट रेक करदा है, और इंडिया तो तिब्बत के मामले च मूहरे मूहरे आ, उन्होंने तो दलाई लामे नूं बिठाया होया धर्मशाला च, उन्हां दी गवर्नमेंट इन एग्जाइल नूं रैकगनाइज करन तक पहुँच गए हैं, पर जिहड़े चार पांच मुद्दे जिहदे च हांगकांग का इशू ये चुकदे ने, पाकिस्तान ने कहा
मुकम्मल सपोर्ट चाइना नू, तिब्बत मुकम्मल सपोर्ट, सिंकियांग मुकम्मल सपोर्ट, और इस दे नाल साउथ चाइना सी मुकम्मल जिथे उन्होंने आईलैंड आर्टिफिशियल बनाए ने मुकम्मल सपोर्ट, और ताइवान का जिक्र किया। इस सारे जिहड़ी जॉइंट स्टेटमेंट है उहदे च इह है कि भी इमरान खान होरां ने दे हैव ब्रीफ द चाइनीज साइड ऑन द लेटेस्ट डिवेलपमेंट्स ऑन द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग इट्स कंसर्नस पोजिशन एंड प्रेसिंग इशूज एट द मोमेंट, कि चल रहा जम्मू कश्मीर च की दिक्कत ने की उत्थे चैलेंजेस ने, और उहदे च जिहड़ी है स्टेटमेंट दे विच चाइना की जिहड़ी कश्मीर बारे पोजिशन है वो अकेन रीअफर्म हुई। उन्होंने कहा कि भी कश्मीर इशू शुड बी प्रॉपरली एंड पीसफुली रिजॉल्व बेस्ड ऑन द यूएन चार्टर रेलिवेंट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन एंड बायलेटरल एग्रीमेंट्स सेड इट अपोजेज एनी यूनिलेटरल एक्शन दैट कंप्लीकेट द सिचुएशन। सो जाहिर है कि भारत ने यूनिलेटरली 5 अगस्त 2019 जिहड़ा कश्मीर का स्टेटस तोड़िया इन्हू उन्होंने कंडेम किया, यूएन चार्टर के थले जिहड़ा सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जिहड़े कश्मीर प्लेबिसाइट की गल करते हैं इसकी हमायत की, और इमरान खान होरां ने अगे इस जॉइंट स्टेटमेंट किया परसीक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया इन एडवांसिंग द हिंदुत्वा माइंड सैट ऑफ RSS बीजेपी वॉज ए थ्रैट टू रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। उन्होंने कहा कि जी घट गिणतियां की परसीक्यूशन हो रही है इस खिते दे विच क्योंकि RSS और बीजेपी का हिंदुत्वा का एजेंडा है, और ये खतरा है इस खिते दे विच घट गिणतियां दे लई जिन्हां जिहड़ियां उत्थे सुरक्षित नहीं ने, और इस सारे दे चलदे आ असीं समझदे आ कि भी एक बोल्ड स्टेटमेंट है दोनों धिरां दी। और दूसरी इहदे नाल रिलेटिड ही क्योंकि ये दोनों ही रिपोर्ट करने वाले हिंदू अखबार के ही कॉरस्पोंडेंट ने, बट चाइना पाक हिट आउट एट यूनिलेटरल कश्मीर मूव्स, सो ये भी शो करता है भी किवें दोनों प्रेजिडेंट्स ने शी जिनपिंग ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मजबूती दे नाल इंडिया नू इंडिया की पोजिशन चैलेंज किया और चाइना ने फुली पाकिस्तान नू बैक किया। जी राज साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम अपने विचार साडे दर्शकों नाल साझे किए ने, स्ट्रेथन एंड ब्रेक व्यूअर्स हां, तुम साडे नाल इस तरह बने रहना, मिलते हैं छोटे जे वक्त बाद।